हेलो गाइस, मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और मैं इस वक्त जो खड़ा हूं वो मैं ग्वालियर के किले पर हूं। और मैं आपको बता दूं, ग्वालियर के किले पे आने के लिए आपको दो गेट मिलेंगे। जो एक गेट है तो वो सीधा गुजरी महल के लिए जाता है, और दूसरा जो गेट है वो उरवई गेट है। उरवई गेट से आप व्हीकल लेकर ऊपर किले पर जा सकते हैं। तो ये जो किला जो है वो गोपाचन पर्वत पर बना हुआ है, और आप मेरे पीछे जो पहाड़ देख सकते हैं ये गोपाचन पर्वत है। तो मैं जो आया था उरवई गेट से आया हूँ। गाइस, ग्वालियर का जो किला है वो काफ़ी बड़ा है, तो पूरा एक वीडियो में कवर करना काफ़ी मुश्किल का काम है। तो इसीलिए मैं जो है वो वीडियो भागों में बनाऊँगा। तो सबसे पहला जो भाग रहेगा मेरा वो आपको कर्ण महल और फिर उसके बाद जौहरकुंड दिखाऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं कर्ण महल और जौहरकुंड। तो गाइस, कर्ण महल का जो निर्माण है वो तोमर राजवंश में हुआ। तोमर राजवंश के दूसरे राजा कीर्ति सिंह ने इस कर्ण महल का निर्माण करवाया। तो कर्ण महल का नाम कर्ण महल इसीलिए पड़ा क्योंकि कीर्ति सिंह राजा का दूसरा नाम था कर्ण सिंह, इसीलिए इस महल का जो नाम है वो कर्ण महल पड़ा। तो गाइस, ये जो महल है वो करीब 2 मंजिल का महल है, और इसके नीचे तल घर में राजा स्नान किया करते थे। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस महल के अंदर एक बड़ा ट्रायंगल शेप में का हॉल है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं वो जगह। तो गाइस, आप अंदर एंटर हो गए तो एक हिस्सा आपको ये कर्ण महल का दिखाई देगा, और ये जो है वो गेट है, और दूसरा हिस्सा जो है वो सामने आप देख सकते हैं ये रहा। तो चलिए हम सबसे पहले इस हिस्से की बात कर लें, फिर हम इसके दूसरे हिस्से पे चलेंगे। आपको सबसे पहले ये दिखाई देगा हवा महल, ये दूसरा हिस्सा है इसका। तो आप ये देख सकते हैं ये महल, और काफ़ी ऊंचा है ये महल। तो ये देखिए, ऊंचा रहने का फ़ायदा एक भी होता है कि इसमें हवा अच्छी पास होती है। शायद राजा इस महल में आकर हवा लिया करते थे, तो काफ़ी अच्छी हवा चलती है इस जगह पे। तो आप ये देख सकते हैं इसकी ऊंचाई, काफ़ी ऊंचाई है। तो गाइस, चलिए हम अब एंटर होते हैं इस महल में, कर्ण महल में। तो आप देखिए, एक रूम ये हुआ करता था राजा का। और तो चलिए हम आपको वो जगह दिखाएं, राजा की नहाने की जगह दिखाएं। तो आप मेरे साथ ये देख सकते हैं, ये तलघर में मैं जा रहा हूँ। तो ये देखिए आप, यहाँ पर चमगादड़ों की बदबू आ रही है क्योंकि यहाँ पर चमगादड़ बहुत हैं। तो इस जगह पे मैं जा रहा हूँ, तो काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इस जगह पे राजा नहाया किया करते थे। ये तलघर में मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ पर जो है राजा वगैरह नहाया करते थे। और ये तलघर देखिए आप, यहाँ से रोशनी आती थी और काफ़ी बदबू है, और नीचे आप जो मल देख रहे हैं वो चमगादड़ों का मल है। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने ऊपर, यहाँ से हम ऊपर के लिए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक ट्रायंगल शेप का बड़ा हॉल दिखाऊं। तो देखिए वो हॉल आप, देखिए आप, ये है वो बड़ा हॉल। यहाँ पर राजा जो है यहाँ बैठकर सभा लिया करते थे,
और इसी के जस्ट आगे एक कमरा भी है बड़ा। ये है वो कमरा। यहाँ ये सुरंगें हैं पर अभी जाना मुश्किल है क्योंकि चमगादड़ बहुत हैं इस एरिए में। तो चलिए बस चलिए अब मैं आपको इस किले के ऊपर ले चलूँ। तो चलिए हम देखते हैं इस किले के ऊपर जाकर जो सीधे दूसरी मंजिल पे जाता है ये रास्ता। गाइस ये अब हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ दूसरी मंजिल से, देखते हैं क्या नज़ारे रहते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है दूसरी मंजिल से देखने पे। तो गाइस हम दूसरी मंजिल पे चढ़ चुके हैं और आपको ये जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं वो रोशनी के लिए बनाए गए थे उस समय, अंदर के लिए रोशनी हो। ये जीना जो आप देख रहे हैं पर अब वो है जीना बंद है, इस समय बंद कर दिया गया है ऊपर जाने के लिए। तो चलिए हम आपको, तो गाइस ये किला मैंने आपको जो है वो पूरा दिखा दिया है। तो गाइस आपने कर्ण महल तो देख लिया है पूरा, तो चलिए अब मैं आपको जौहर कुंड दिखाऊं। गाइस मैं आपको इस जौहर कुंड की हिस्ट्री बता दूं। तो गाइस क्या हुआ था उस समय जो है तोमर राजवंश, तो उस समय जो था वो तोमर राजवंश था, उनके लिए इस कुंड में से जो है वो पानी का उपयोग किया करते थे लोग बाग। तो आप देख सकते हैं इसमें अभी भी पानी भरा हुआ है। तो बारिश का पानी इकट्ठा होके जो उनके राजा और मंत्री वगैरह और जितने भी सब लोग इसी जगह से पानी का उपयोग किया करते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, तोमर राजवंश जब ख़त्म हुआ, जब इंदुतमिश ने अटैक कर दिया था इस किले पर, तो जहाँ तक राजा तोमर राजवंश हारने के कगार पे आ गया था, तो उस समय जो तोमर राजवंश की जो जितनी भी रानियाँ थी आकर उन्होंने आग जलवाई और उसमें आत्मदाह कर लिया अपने आप को। तो आपको जौहर कुंड के सामने आपको ये जो दिखाई देगा, तो इसमें जो है ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाया गया था और इसमें जो हथियार वगैरह रखा कर। तो गाइस इस किले पे अभी भी वीडियो बाकी हैं तो वो आप अगले भाग में देखिए। और चलिए अब हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।